नमस्कार, मैं हूं कनिष्क और अर्थ प्रकाश न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूं पिंजौर में और यहां पे हम लोगों से बात करने वाले हैं चुनावों के ऊपर, जो कि 21 तारीख को हरियाणा में होने वाले हैं। तो यहां पे हम जानेंगे लोगों से कि वो पुरानी सरकार यानी कांग्रेस सरकार से ज़्यादा खुश थे या अभी मौजूदा सरकार जो कि बीजेपी है उससे ज़्यादा खुश है। आपका नाम? गौरव। 10 साल जो है वो यहाँ पे कांग्रेस ने भी राज किया और 5 साल जो है वो बीजेपी ने भी राज किया, तो इन दोनों सरकारों को कितने नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से, कि कैसा रहा है उनका? मतलब ये मेरे लिए दोनों बराबर ही थे जी, कोई ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं। मैं 10 में से 8 दूंगा दोनों को। जैसे हालात पहले थे वैसे ही, अभी कुछ बहुत ज़्यादा मतलब चेंज ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, सेम है। और मतलब आपको कोई परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही है अभी? नहीं, ऐसा सच कुछ नहीं जी, हमारे को रूटीन में ठीक है, मेरे लिए ठीक है। सर, आपका नाम? मैक्स जॉन परेरा। और आप अभी जो मौजूदा सरकार है, इससे पहले कांग्रेस भी रह चुकी है जैसे कि, तो इन दोनों सरकार को आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से, उनके काम से देख के? देखिए, बीजेपी सरकार को तो 0/0 और कांग्रेस सरकार को 100%, ये मेरा अपना है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी जो भी देख रहे हैं हम, कि संभल नहीं रहा इनसे। क्या कमियां क्या आ रही हैं सर सरकार? सर, आप पेपर उठा के देख लो, आप खुद ही मीडिया वाले, आप में से ज़्यादा जानते हैं। आज पूरा मंदी है, एक रुपये की कैंडी बेचता हूँ, 1 रुपये की कैंडी नहीं खरीद रहा दुकानदार। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। तो ये जो मौजूदा सरकार है उससे आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं जी, बहुत अच्छी सरकार है, विकास कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, गरीब आदमियों के हक में है सर। इससे पहले हमारा गरीब आदमियों का किसी ने नहीं सोचा जितना इस सरकार ने सोचा है। मतलब इससे पहले वाली सरकार के बाद? हाँ, इस सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ करा भी है। हम इस सरकार की बदौलत यहाँ रेडी लगा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, और होते तो नहीं लगती। तो जैसे आपको बताइए, किसको इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो बाकी पार्टियां भी खड़ी हैं इलेक्शन में, तो मोदी सर, मोदी 100%। किसके नाम पे वोट डालेंगे? मोदी के, MLA के नाम पे नहीं, मोदी के नाम पे। नाम मेरा मोहम्मद साजिद। तो ये जो मौजूदा सरकार है उसका कितना? देखो, सरकार तो बहुत बढ़िया है, जब भी हमारा कुछ काम फंस जाता है, हम जो हमारे लोकल MLA है उनके पास जाते हैं, लतिका शर्मा जी हैं जो, वो हमारे बारे में सोचते हैं हमेशा। कई बार हमारे यहाँ से मार्केट हटा दी जाती थी, 10-10 दिन के लिए हटा दी जाती थी, तो हम उनके यहाँ चले जाते हैं, वो एकदम से हमारी रेडी वगैरह सब लगवा देते हैं। बहुत बढ़िया विकास हो रहा है और हमारे लिए बहुत बढ़िया सरकार है। तो उनका व्यवहार जो है लतिका शर्मा जी का आपके प्रति, वो कैसा है? हमारे प्रति देखो बहुत अच्छा व्यवहार है, क्योंकि जनता इकट्ठी होकर जाती है उनके दरबार में, तो सबकी सुनते हैं और कार्रवाई भी करते हैं, वो जो गलत होता है उसको सुनते भी हैं। दीपक भाटिया। दीपक जी, ये जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की है, इससे आप कितने ज़्यादा खुश हैं? एक्चुअली खुशी तो बस ये इतना है कि इसमें थोड़ा सा करप्शन कम है, बाकी तो वही है, मिली जुली सरकार है दोनों की। बिल्कुल। और जैसे अभी यहाँ पे कांग्रेस भी राज कर चुकी है, अब बीजेपी कर रही है, तो दोनों को 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे उनके काम को लेकर? काम को लेके बीजेपी को मैं 6 नंबर दूंगा 10 में से, तो इसमें थोड़ा करप्शन कम है, बाकी काम तो ऐसे ही है इनका कि बेरोजगारी भी बड़ी है और वो है, और कांग्रेस से भी इसलिए 5 नंबर दूंगा उसको कि उनका काम अच्छा था मगर उनमें करप्शन ज़्यादा थी। और जो यहाँ की विधायक हैं लतिका शर्मा, हाँ जी, वो उनका व्यवहार कैसा है आम आदमी को? अभी एक बार और दो बार मैं उनसे मिला हूँ यहीं पे, और से जब मैं काम करता हूँ, व्यवहारिक तो उनका बहुत अच्छा है। तो ये थी राय लोगों की मौजूदा सरकार को लेकर और पुरानी सरकार को लेकर, तो देखने वाली बात होगी कि इस इलेक्शन में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।